अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की पहली कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ आफताब इकबाल साहब, मेरी टीम और लाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बड़ा मजा आ रहा है आज आपके इस वाले शो पर जो मैं, लेकिन एक सवाल है आफताब भाई मेरा जी, ये बगैर देखे लोगों को कैसे पहचान लेते हैं? क्या मतलब बगैर देखे? नाम ले रहे होते हैं आप, वो भूज रहे होते हैं, कैसे? इसके लिए जानत चाहिए। बहुत पढ़ना पड़ता है? नहीं, बहुत पढ़ना नहीं पड़ता। आप आए अफगानिस्तान से? जी, हमारे पास इस वक्त दो अफगानी हो गए, एक फैसल शेख जान है। मैं पाकिस्तानी हूँ भाई। नहीं, मेरा मतलब अफगानी नस्ल है। अफगानी नस्ल है तो वो भी पाकिस्तानी। ही हैज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट। ही हैज अ पासपोर्ट, आई वाज बोर्न हियर। स्टार्ट करें कसौटी जी, और हमारे कैफे पेटन ऑलरेडी इंतजार भी कर रहे हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदनान बेग। आपका ताल्लुक कहाँ से है? अभी तो हम लोग फैसलाबाद से आए हैं, लेकिन रियली हम लोग UK से आए हैं। अच्छा। और स्पेशली आफताब साहब से मुलाकात करने के लिए, उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वेरी काइंड ऑफ यू बेग साहब, वेरी काइंड ऑफ यू सर। इट्स माय प्लेजर सर, इट्स माय प्लेजर। बिफोर वी स्टार्ट, मैं कुछ कहना चाहूँगा पहले। जी प्लीज गो अहेड। बब्बू साहब की गायकी का मैं बहुत देर से कायल हूँ, जब से उन्होंने वो बिजली और लोड शेडिंग वाला गाना गाया था। yes, लेकिन इनकी फीकी जुगतों को जो आपने अरूज बख्शा है। आपको पता है ये जो साल आखिरी हिचकियां ले रहा है जी जी, इसका नाम हमने रखा हुआ है सन 2000 फीकी। दिस इज नॉट 2021, 2000 फीकी है ये। बबू साहब जी जी जी, बबू साहब सिर्फ इस तो माफी कि तुसी फैसला बात दे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बबू साहब, बहुत शुक्रिया जी। सर शुरू करें। जी सर, जी शख्सियत जिंदा? जी सर जिंदा। मर्द? मर्द। एशियाई? एशियाई। पाकिस्तानी? यस पाकिस्तानी। ये बेग साहब इतनी दूर मतलब की कर रहा है? ए तड़िया फिकियां सुन रहा है बस। सीधा जाएं, शोबे पे जाएं। ताल्लुक इल्म और फजल से है? नो आई डोंट थिंक सो। शोबिज पे आज? शोबिज से? नो सर। अच्छा जनाब, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी भी है। भी है। शख्सियत पंजाब से है? मेरा ख्याल पंजाब से ही है वो। सियासत और हुकूमत से भी है, इल्म फजल से नहीं है, नहीं है। शोबिज से नहीं है? नहीं है। तो फिर इसका मतलब है, यानी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है, ये कहना चाह रहे ना? पहले नहीं थी। पहले नहीं थी ये तो। अच्छा, इस पे गौर करें, नैरो डाउन हो गए। ओके, पहले नहीं थी। ना करो सर, सो ऑब्वियस। पूछ तो ले। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? था। स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक था जो कि अब नहीं है, यानी रिटायर्ड। फिलान्थ्रोपी से? सोशल वर्क कह सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिटायर्ड। बेग साहब इज ही अ क्रिकेटर? यस सर। That narrows down. एक तो आपका सरफराज नवाज है जो क्रिकेटर भी था, MPA भी रहा है और लंडनर है, आजकल इंग्लैंड में है। Yes, he can and he's alive. He's alive and he's a politician. रिवर्स स्विंग से ताल्लुक है ये? देखें, ये तो हो गया ना सर, कोई बॉलर, इनकी प्रॉक्सिमिटी सियासत से भी है, वजह शोहरत सियासत, इनका सियासत वजह शोहरत का क्या जवाब दिया था कि वजह शोहरत सियासत नहीं है, पहले नहीं थी। सर मे आई एड समथिंग, क्योंकि व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ तो मैं आज कैफे पेटर्न्स की साइड पे हूँ, आप लोगों की साइड पे। जी जी बिल्कुल नहीं, तो मैं यहाँ से उनकी भी हेल्प आउट कर सकता हूँ यहाँ से। जी जी जरूर करें। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा सियासत हुकूमत, सर इक्वली पॉपुलर इन सियासत हुकूमत एंड इक्वली पॉपुलर इन स्पोर्ट्स। यस यू कैन से दैट। अच्छा, ताल्लुक पंजाब से ही है? पंजाब से ही है। ही है मतलब ये, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पंजाब से है, ये पंजाब से ही है। आपके जहन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, दोनों के डोमिसाइल लाहौर के हैं। बिल्कुल लाहौर से। एक जमान पार्क से है, मजांग, दूसरा मजांग, मजांग जमान पार्क। असी तो मल्ले पहुंच जाएंगे। वो मजांग लिंक से खेलता था, ये जिमखाना से खेलता था। ही ग्रो अप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एचिसन। इमरान की फिल्म हमने किस ग्राउंड में बनाई थी? एचिसन में बनाई। यू आर द पेप्सी जनरेशन, हम दोनों ने फिल्म बनाई थी। वाह, जी जी इंडिया, फर्स्ट सीरीज विन इन इंडिया। वाओ, बाय एनी पाकिस्तानी।
इन हिज कैपिटल, इन हिज कैपिटल लाहौर, लाहौर लेट्स नैरो डाउन, तो है ना हां चले। अच्छा जी, ताल्लुक लाहौर से है, यानी उनकी एजुकेशन लाहौर में हुई? जी सर, क्योंकि लोग मियांवाली समझेंगे ना, हालांकि he got elected from Miawali as well. But he was born in Lahore. He was born in Lahore. He grew up in Lahore. Educated in Lahore. Kisi bahut bade philanthropic project se munsalik rahe hain, like Shaukat Khanum. Ab aap cheeze le rahe hain. Cheeza to aap le rahe hain ki aap humse Imran Khan pooch rahe hain. Khuda ka naam le. Sir, he is our favorite person. That's why. Wo aapka favorite person, aapka leader to hoga. Hum dono ka dost hai wo. Ji, mashallah. Aur inka to baqaida jigri dost hai. Acha, that's good, sir. Jis dosti se niyazmandi tapakti hai, jo hamari dosti se tapakti hai na FSJ ke liye, wo aise hi hai. Lekin hum dono critic bhi hain, bade tagde critic hain. Aapne Imran Khan pucha ji. ये जो सवाल है ना बेग साहब, आप समझें कि ये इंडिकेशन है ऑफ द लव ओवरसीज पाकिस्तानीज हैव फॉर पाकिस्तान। जी सर, ठीक है ना, ये उसकी इंडिकेशन। आई हैव सीन दैट। चले फिर हम चलते हैं हमारे सेकंड कैफे पेट्रन की तरफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर ऑल द वे अमेरिका से आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नॉट ओनली अमेरिका, ही इज फ्रॉम सैन होजे कैलिफोर्निया। ओह माय गॉड। तो कल ये हमारे सेट पे तशरीफ लाए थे, मैन एंड वाइफ, और हमारे साथ काफी फोटोग्राफिक सेशन इनका हुआ, तो कहने लगे कि मैं जब भी गुजरता हूँ ना सैन होजे स्टेट यूनिवर्सिटी के सामने से, तो मुझे आप याद आते हैं उसको। तो जनाब थैंक यू वेरी मच, आपने शो को भी रौनक बख्शी है। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। अच्छा जी, एंड यू आर हियर विद द रेफरेंस ऑफ रंगीला साहब। रंगीला साहब, रंगीला साहब जी, वो उनके टेंटिकल्स बड़े अजीब गरीब हैं, हर तरफ फैले हुए हैं। ये तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे रंगीला साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम वकार पिया, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, ओरिजिनली साहिवाल। अच्छा वेरी गुड। अब यहाँ भी मेरे ग्राही हैं आप साहिवाल के हवाले से, ऐसे तरह ही साई, और कैलिफोर्निया का ताल्लुक भी आपके साथ। चले सैन फ्रांसिस्को में करते क्या है जी? सैन फ्रांसिस्को में मेरा खाने का कारोबार है। अच्छा वेरी गुड जी। अच्छा ये बताइए वकार साहब के शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। जनूबी एशिया से? साउथ एशिया से जी। पाकिस्तानी? जी। अब देखे ना, ओवरसीज पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं ना, तो ये नेसेसरली पाकिस्तानियों को पूछते हैं, तो इतना इजी हो जाता है पहुंचना। आप देखें पहले बेग साहब थे, मैंने साउथ एशिया भी पूछने की जहमत नहीं करवा रहा कि बेग साहब आप चीजें ले रहे हैं। हाँ तो बैंक में पहुंच गए थे, तो बेग साहब अपने जी साहब। जी 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 जी। भैया ये बताइए कि ताल्लुक शोबिज से है? जी सर। सी अब हाउ प्रेडिक्टेबल। अच्छा जनाब ये शख्सियत जो आपने पूछी है, एक्टर, इज ही अ हीरो, फिल्म हीरो है कोई? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। म्यूजिक से ताल्लुक? यस सर। म्यूजिक कंपोजर थे? आप बिल्कुल कह सकते हैं। यानी पहचान कंपोजिशन नहीं थी, पहचान सिंगिंग हो सकती है। तो ये बहुत बड़े सिंगर थे क्या? ये भी कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है, मतलब कंपोजर भी थे सिंगर भी थे, पहचान उनकी कंपोजिशन नहीं थी। बाद में कंपोजिशन पहचान बनी। बाद में कंपोजिशन पहचान। कोको कोरीना तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये सर अपना नुसरत फतेह अली की तरफ भी जाती है बात। नुसरत फतेह अली और करें बहुत बड़े। अच्छा जनाब कव्वाली के साथ इनका कोई गहरा ताल्लुक? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फैसलाबाद से तशरीफ लाए थे? जी हाँ। आपने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को पूछा? मेरा सल्यूट है उनको। क्या बात। थैंक यू वकार साहब, आपने सही उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया, इसी बहाने उन्हें याद करने का मौका मिला हमें। वैसे बब्बू खान तो रोज याद करता है। आपको पता है ना बब्बू का नाम बाबर फतेह अली खान है जी, और बॉस नहीं रखा ये। मैं उनकी नस्बत से बब्बू राणा साहब को बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। और इनकी सिंगिंग को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। और इनके साथ
फतेह अली खान साहब का नाम लगता है, नुसरत फतेह अली खान साहब का। आज तो सारी की सारी पर्सनालिटीज ऐसे हो रही हैं ऐसे। अब देखे ना मुश्किल में डालने वाला आगे। ओ आ गए जी, मैं चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बैक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग सो हाईली फॉर अस, टेस्टिफाइंग आवर ऑनेस्टी ऑन द इंटरनेट, थैंक यू वेरी मच। यू ऑल वेल डिजर्व दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट, द सर्विस यू आर डूइंग इज इट्स बियॉन्ड commercialism, it's community services. Thank you. Alhamdulillah. पहले आपने ये बताना है कि personality has been chosen by you or by your missus? Well, जो personality हम लेके आए हैं, that has been not accepted. सर आप मेरे पास जो दो personalities लेके आए थे, वो मैंने reject की थी। जो third one जो मैंने कहा था सर you go with it, वो acceptable है, वो okay, आप उसी के साथ जाइएगा। चलें। इसकी वजह भी आपको बता दें। देखिए कई दफा होता है कि हमें पता होता है एक particular personality की achievements हैं, लेकिन वो उस हद तक मारूफ नहीं होती कि ज्यादातर लोगों को पता हो उनका। ठीक है, ये मयार है जी। वी रिस्पेक्ट द पॉलिसीज। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड वी रिस्पेक्ट यू, एंड वी लाइक, वी अप्रिशिएट द वे यू एग्री विद इट, एंड वी लव योर चैलेंज। वेल इट वोंट बी चैलेंज, इट वुड बी अ लर्निंग एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ अस। ओके ओके, डू यू अलाउ टू लेट माय बेस्ट हाफ? बिल्कुल सादिया, आई हैव अ क्विक वर्ड विद यू। यस जी 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 जी, सादिया साहब प्लीज गो अहेड। जी सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफताब साहब, हम तो बहुत मुश्किल से अपने आप को ये दर्जा भी देते हैं कि हम आपके स्टूडेंट्स ही कहलवाएं। सो लास्ट टाइम हम, क्योंकि आपके कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं, सो जब से वो एक खातून हंसा करती थी आपके प्रोग्राम में, तब से हम आपके फैंस हैं। नाजिया बेग। जी जी, तब से, और वी नेवर मिस, एवरी सिंगल डे ही कम्स बैक फ्रॉम द ऑफिस एंड हम चेक करते हैं 11 बजे के बाद के कब अपलोड हुआ है प्रोग्राम, एंड वी वॉच इट। सो प्लीज एक्सेप्ट आवर अपोलॉजीज, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं थी, हम लोग हंस रहे थे, दैट वॉज जस्ट a sense of achievement. माजरत इसलिए क्योंकि you are very big personalities. Not at all, not at all. We are all part of the same team. बिल्कुल. And कोई ऐसा वो तो हम ऐसे शरारतन, जैसे अभी मुझे बेग साहब कह रहे थे कि आप चेजा ले रहे हैं, आपने इमरान खान भूल लिया। कुछ unintentionally ऐसा हो गया because we lived in England. अच्छा, तो वो आपको पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर आपको ये पता होता तो शायद आप जल्दी उसको। अच्छा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं था। और दूसरा ये कि थोड़ी थोड़ी चेजेबाजी रहती है, वो अच्छा लगता है। जी जी, अच्छा जी, आ जाएं हम फिर मुकाबले की तरफ। जी जरूर सर। जी मर्द। जी बिल्कुल। जिंदा? नहीं जी। ताल्लुक एशिया से? जी नहीं। ताल्लुक अमेरिका से? जी नहीं। यूरोप से? जी नहीं। There you go. शेख साहब है आखिरकार। अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया रह गया सर? अफ्रीका, वी आर रनिंग आउट ऑफ कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अमेरिका भी, मैं समझो फिर एंटार्क्टिका भी। ताल्लुक अफ्रीका से? जी नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ही रह गया सर। ताल्लुक दुनिया, ऑस्ट्रेलिया रह गया या फैसलाबाद रह गया? अच्छा जी, ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से? जी। ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से? जी जी। लो जनाब 7 क्वेश्चंस जी, अब नैरो करें जनाब। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक, मर्द जो जिंदा नहीं है, मर्द जो जिंदा नहीं है। ऑस्ट्रेलियंस ज्यादातर हमारे यहाँ जो आते हैं ना, वो या तो क्रिकेटर्स होते हैं। ठीक है सर, डॉन ब्रैडमैन मतलब क्रिकेटर तो दे, बट लेट्स गो टू स्पोर्ट्स। हाँ स्पोर्ट्स, वैसे को और भी लाइन्स हो, शोबिज। शोबिज में ज़्यादातर देर अलाइव, मेल गिब्सन भी, और आपका जो है क्रो, हाँ रसल क्रो, क्रो रसल क्रो इज न्यूजीलैंड। और भी हैं, और भी हैं, लेकिन ये हो सकता है न्यूजीलैंडर भी हो। ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया, बट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इज न्यूजीलैंड। हाँ नहीं नहीं सर, कॉन्टिनेंट तो एक है ना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहलाता है ये। न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। शेख साहब, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नो। दैट इज इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। शोबिज सर, शोबिज के अलावा, वैसे जल्दी जल्दी शोबिज, शोबिज करें, लेट्स स्कैन थ्रू डिफरेंट अदर, समबडी लाइक कैरी पैकर, उसको हम कहाँ डालेंगे, बिजनेस में डालेंगे? नहीं, स्पोर्ट्स में डालेंगे, मीडिया बिजनेस, वो मीडिया भी है बिजनेस, ठीक है ना। जो कैरी पैकर इज अ वेरी बिग नेम, चैनल 9। उसके अलावा भी कोई एक दो हम कर सकते हैं, वैसे हमारे पास क्वेश्चंस बथेरे हैं।
आप शॉर्ट लिस्टिंग करें, कैरी पैकर है, और दूसरा आपके पास शोबिज की कोई शख्सियत हो सकती है, इसका ताल्लुक मीडिया से पूछ लें। मीडिया एंड शोबिज aren't they together? They go hand in hand together, but they are not one and the same thing. Kerry Packer has something to do with showbiz also. He did a program also. Kerry Packer? Kerry Packer. Wo is ek program mein tha, ek program ka hissa tha. Could be. He was a very big personality. Big businessman. Where was Rupert Murdoch from? Rupert Murdoch is Australian, but he's alive. He is alive. Murdoch is alive. Murdoch is a much bigger personality. Of course. News Sky. Corp. News Corp. News Corp. Sky Star. अच्छा जी, इज ही अ बिग बिजनेसमैन? नो नो। सो कैरी पैकर इज आउट। अभी हमने शोबिज नहीं पूछा। शोबिज नहीं पूछा। शोबिज के साथ सर जिंदा ही हैं जो नॉन है, या अच्छा, फिर एक वो था जो एडवेंचरर था जिसको जो स्टिंगरे की स्पाइक से मरा। जी जी जी, ठीक है ना, वो भी है। स्टीव। स्टीव स्टीव वो भी एक था। बिल्कुल पूछ लीजिए। एडवेंचरर, डॉक्यूमेंट्री मेकर। डॉक्यूमेंट्री मेकर था। अच्छा जी, वॉज ही An adventurer, a documentary maker? जी नहीं। ये इनका डिफॉल्ट है, जी नहीं। सर म्यूजिक से ताल्लुक, शोबिज से ताल्लुक, अब उधर जाना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, शोबिज से ताल्लुक है? जी नहीं। 11 सवाल। ये कैंगरू तो नहीं पूछा है कहीं? अच्छा जी, इल्म ओ फजल से ताल्लुक है? जी नहीं सर। इनका डिफॉल्ट है जी नहीं सर। अभी आ जाए पॉलिटिक्स पे। न्यूजीलैंड सर, गो टू न्यूजीलैंड। वो जिंदा है जिसने शूटिंग की थी सर? अच्छा, वो जो मॉस में, मॉस मॉस में जिसने इम्प्रिजन्ड था फॉर लाइफ। ही इज नॉट डेड। ही इज नॉट डेड। ही इज नॉट डेड। शोबिज हमने पूछा, उन्होंने कहा नहीं। शोबिज नहीं। स्पोर्ट्स, बिग बिजनेस, एडवेंचरर, शोबिज, एजुकेशन। सिर्फ रह गया पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं सर? बड़ी खास कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, किसी ऑस्ट्रेलियन का कमाल। मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन गन है। स्ट्रेट अवे नहीं आती है ज़हन को? बोल पप, उसी से सीधा गन ते जाओ बेटा। भाई मुझे बोल पप देख के ख्याल आता है, ये ऑस्ट्रेलियन गन स्मिथ्स बड़े कमाल के। ऑस्ट्रेलियन। अच्छा जी, आप ऑस्ट्रेलिया की शख्सियत, जो न्यूजीलैंड की भी हो सकती है, पपुआ न्यू गिनी की भी हो सकती है। पपुआ नहीं, पहले तो कर ले कि ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड की है या उसके कोई आइलैंड की है। पपुआ न्यू गिनी की तो मुझे कोई ऐसी नहीं सर, मुझे भी नहीं याद ना। दो चीजें रह गई हैं, एक रह गया है सियासत और हुकूमत, और एक रह गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दो रह गए। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली होगा, कोई शिप्स के हवाले से, कोई बोट्स के हवाले से, सिडनी के हवाले से। तो ओपरा हाउस भी है ना, सिडनी ओपरा हाउस जिसने डिजाइन किया था ये भी। लेकिन सर हो तो सकता है, लेकिन कोई इतना नोन बंदा जो है ना, सिडनी ओपरा हाउस इज वेल नोन। हाँ, ओपरा हाउस अगर पूछा जाता, ब्रिज पूछा जाता ना, तो वो था बंदा, कोई बहुत नोन नहीं। इंतकाल को पूछ लें, इससे शायद आइडिया हो जाए। ठीक है, 100 साल से कर। 50 साल? 100 साल से नहीं सर, 100 50 चले 50 से। अच्छा शेख साहब, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? जी बिल्कुल, 50 साल से ज्यादा हो चुका है। ये कोई पुरानी शख्सियत है सर, 100 साल पे जाए। ये कोई पुरानी, जिसका नाम है बड़ा और हम इसको 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नो नो, बिटवीन 100 एंड लो सर, 1921 से 1971। अच्छा जी, अब उसमें आ जाता है, 71 से पीछे जाएंगे या उधर से? वर्ल्ड वॉर की कोई शख्सियत? सेकंड वर्ल्ड वॉर का पूछ लें। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की कोई शख्सियत है शेख साहब? जी नहीं सर। जी नहीं, उनका डिफॉल्ट जी नहीं है। 15 सवाल। डेंजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ डेंजर जोन में ताल्लुक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोचने दे दें। मेडिसिन? मेडिसिन भी है, कंप्यूटर साइंसेस भी हैं। कंप्यूटर साइंस इस पीरियड में काफ़ी उसमें पेशरफ्त हुई। टिम बर्नर्स ली जो है वो ब्रिटिश है, जिसने वर्ल्ड वाइड वेब की प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया। नहीं सर, बड़ा नाम, बहुत मारूफ नाम, बड़ा नाम, जिसने ये याहू, वेयर डिड याहू कम फ्रॉम? याहू इज जेरी यांग, अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन। चाइनीज अमेरिकन। ऑस्ट्रेलियन विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई वैक्सीन, कोई ऑस्ट्रेलियन को इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं, कोई एंटी वेनम नहीं,
अच्छा जी एक सेकंड, रदरफोर्ड वाज अ न्यूजीलैंडर, जो गोल्ड एक्सपेरिमेंट जिसका था ना, जो जिसने न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को उसने वो, रदरफोर्ड तो बहुत बड़ा नाम, रदरफोर्ड को, हाँ, अब वो 1870, he must have died after 1921, पूछे जी एटॉमिक से, जी 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 जी, रदरफोर्ड तो बहुत बड़ा नाम। अच्छा शेख साहब, इनका ताल्लुक एटॉमिक स्ट्रक्चर से रहा है? जी नहीं जी। अच्छा जी, रदरफोर्ड नहीं है फिर, वो टीचर भी है ना, इसलिए पूछना पड़ता है। हमने उस दिन मैथमेटिक्स ये नहीं पूछा था कि इनका फील्ड क्या है, इनकी अहलिया का पूछा था, एजुकेशन नहीं, एजुकेशन बताया था, एजुकेशन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसके अंदर 50,000 उसके कंपार्टमेंट्स, अगर पूछा होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता, तुम सीधे केमिस्ट्री पे जाते, फिजिक्स पे जाते, मैथ्स पे जाते, बायोलॉजी पे जाते, बिल्कुल एस्ट्रोफिजिक्स शान शान है, क्योंकि पता है क्या, इस शख्सियत का जब हम नहीं बूझ पाएंगे ना, तो हम करेंगे ओहो, क्यों, और अननोन बंदा शेख साहब पूछेंगे नहीं। जी शेख साहब, एस्ट्रोफिजिक्स से ताल्लुक था कोई? जी नहीं सर। डिजाइनर ना हो, कोई डिजाइनर जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक ना हो, ना कोई कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, कोई इंजीनियर है सर, कोई इंजीनियर, इंजीनियर भी हो सकता है, बट किस चीज का इंजीनियर, इंजीनियर ऑफ ओपरा, ओपरा हाउस का, ओपरा हाउस, सिडनी हार्बर, पूरा सिडनी हार्बर जिसने बनाया था, जिसने डिजाइन किया था ना, उसी का ये है पूरा डिजाइन, सिडनी ओपरा हाउस पूछ ले, डिजाइन करने वाला सिविल इंजीनियर पूछ लेना, आप अगर डिजाइनर होगा सिविल इंजीनियर ही होगा। दो सवाल रह गए, जल्दी जल्दी मुकाओ जी। हाँ जी, इज ही अ सिविल इंजीनियर सर? जी, आई हैव टू कंसल्ट जी। जी प्लीज डू। जी आफ्ताब साहब, इंजीनियर इज यस, सिविल इंजीनियर इज नो। चलो इंजीनियर में, अब एक सवाल रह गया, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी शेख साहब, सिडनी हार्बर के साथ कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। भी नहीं, लो नेम, अब चीजें ये ले रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, न्यूक्लियर इंजीनियर, न्यूक्लियर तो मुझे कम ही लग रहा है, न्यूक्लियर इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन सर, इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन, नहीं, जो आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो आर्थर सी क्लार्क है, ही इज ब्रिटिश, और वो बाद में श्रीलंका में, ही लिव्ड इन श्रीलंका एंड ही डाइड देयर। चीज इन आखिरी लास्ट मिनट दिमाग पे जोर डाल लें सर, कोई चीज़ है बहुत बड़ा, कोई कोई इस वक्त भी ना, इस वक्त बड़ा इन है, कोई इदारा जो एक काम कर, और उसके इंजीनियर जो मेन उसका जो ओनर था उसके नाम से वो अब भी चल रहा है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे। नहीं, कोई नाम जहन में जो आता है वो ले लें, वरना मारूफ नाम हम इस वक्त मिस कर रहे हैं ये सोच के कि हमें पता नहीं कि इज एन ऑस्ट्रेलियन, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ना, वी डिडंट नो के मदाम टुसाड वाज फ्रॉम फ्रांस, इसी तरह ही जो ये नाम होगा, हमारा ख्याल ये कि दिस इज एन अमेरिकन नेम। सर व्हाट्सएप वाला वो जो है, ही इज यूक्रेनियन, यूक्रेनियन, कोई चाइनीज सर, चाइनीज ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज ऑस्ट्रेलियन इनका लियन होता है, एक चीज वो है ना क्रिप्टो करेंसी वाला, यस नाम उसने जापानी रखा हुआ, लेकिन है वो ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन बेसिकली वो है, बट ही इज नॉट डेड, ही इज अलाइव। चलें जी, हमें नाम ही लेना है बस जी, हम नाम लेते, मेरे जहन में पता नहीं क्यों आ रहा है कि वो उस शख्स का नाम सिडनी था जिसने, जो इन्होंने पूछा है, लेकिन ऐसी काम का ना करने से बेहतर है। नहीं जी, हमारी तरफ से आंसर शेख साहब सिडनी है, ऑब्वियसली दैट वुड बी रॉन्ग आंसर, आप बता दीजिए क्या है। टैंक के इन्वेंटर हैं, लैंसलेट डी मोल, इज द ओनली इन्वेंटर, यस सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेंजर शेंजर नहीं था, 1917। अच्छा चलें जी, गुड सर, गुड।
हमेशा कहते हैं कि शख्सियत मारूफ होनी चाहिए, ठीक है। मेरा ताल्लुक आर्मड कोर से है जी। मैं पाकिस्तान आर्मी में आर्मड कोर में था। एंड ही डिडंट नो, मुझे नाम टैंक इन्वेंटर का सिंगल इन्वेंटर नहीं था, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट थे, तोपें, गन्स, बाइसिकल, मोटर बाइक, ये सारे जो हैं ये एट अ टाइम मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब हमने चेक किया, लियोनार्डो डी विंची ने उससे को 500 साल पहले, तकरीबन 400-500 साल पहले कॉन्सेप्ट दिया था ऑफ एन आर्म। देखिए उस वक्त भी चैरियट्स होते थे, फिर उसके बाद जो है चैरियट्स को जो है उसके इर्द गिर्द जो है आर्मर लगानी शुरू कर दी उस वक्त भी, ठीक है ना। उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो करने की सोच में था, सिंगल एज ए सच इन्वेंटर नहीं था। कमेटीज बनी थी ब्रिटेन में जो देख रही थी इसको, चर्चिल ने बनवाया था 1915 में, और उसका नाम सीक्रेट रखा गया टैंक, कि वाटर टैंक। उसको पूछे क्या कर रहे हैं, तरपाल डाल के जो कॉन्सेप्ट थे उस पर तरपाल डाली जाती थी कि वो लगे कि ये वाटर टैंक है, कि वी आर मेकिंग अ वाटर टैंक। ये मतलब असल में जब हम कहते हैं ना कि जी मारूफ शख्सियत होनी चाहिए, नहीं नहीं ये उसका एक मकसद है। मैडम सुसाद वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, इन्होंने ही पूछा था, हम आज तक याद कर रहे हैं। और उसमें मैंने सबसे पहले कन्फेशन दिया था कि मुझे नहीं पता था कि मैडम तुसाद फ्रांस से ताल्लुक, जी जी। इसमें मैं कन्फेशन दे रहा हूं कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि ये भाई साहब अकेले सच पूछे ना इसकी हिस्ट्री। इन्होंने तो शुरू किए ना 15वीं-16वीं सदी से, पहला टैंक अगर मैं वॉरफेयर की हिस्ट्री को देखूं तो साइरस द ग्रेट ने इस्तेमाल किया बिल्कुल ऐसी, और वो जंग नहीं जंगें जीता था, क्यों, एक बंद आर्मर्ड था जी जी। और ये 500 साल कबले मसीह की बातें हो रही है, उससे भी पहले मंजनीक से, वो एक आर्मर्ड के अंदर अच्छा, से ना आर्चर्स होते थे, ओके ओके वो करते थे, और लोग कहते थे कि इस इजाद ने हमें साइरस हाथों शिकस्त। साइरस द ग्रेट बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी, और हमें हर चीज का पता नहीं होता, यकीन कीजिए। कल को आप कहें कि जनाब जिसने ये बनाया, नो, ये आगे चल के ना मैं इसका सद्देबाप करने लगा हूं कि ये एरियाज हैं भैया, इनसे मुतालिक पूछ लीजिए, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा। और जब भी टैंक की बात होती है ना तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहां पर असल इस्तेमाल हुआ था, अल आलमीन जर्मन जो है ब्लिट्स क्रीक जो था वो बेस्ड ही ऑन टैंक वॉरफेयर था, ठीक है ना। पेंसर डिवीजन उनको इस्तेमाल करना आया, कि कैसे इस्तेमाल, रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहते थे, हारा वो मॉन्टगोमरी के हाथों था, उसकी बदकिस्मती क्योंकि बड़े बदनीयत आदमी, बहुत बड़े बड़े नाम थे, गुडेरियन था, गुडेरियन वॉज अ मच बिगर नेम, क्लाइस था, मानस्टीन था। और हमने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नॉन यूरोपियन टैंक वॉर भुगती हुई है, चविंडा, नंबर ऑफ टैंक्स सर जी दोनों साइड से शामिल थे उसमें सर। तो अब अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं फॉर द फोर्थ कसौटी ऑफ द डे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना अहमद नागी, लाहौर से। अच्छा जी, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द कैफे, कैसा लग रहा है आपको? सो वेरी मच, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा खाना था, काफी देर इंतजार किया अपनी बारी का। We understand, आज वैसे हमारी ज्यादा लंबी लिस्ट है और लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा है, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए। वैसे ये कोई तरीका नहीं है कि आप इतनी लंबी लंबी लिस्टें लेके आ रहे हैं तो कसौटी की ड्यूरेशन 3 घंटे हो जानी है। अच्छा जी, शख्सियत जिंदा जी, मर्द जी, एशियाई जी, पाकिस्तानी जी, टू ऑब्वियस, चार तो हो गए, जिंदा पाकिस्तानी, शोबे में जाए, ताल्लुक इल्मो फजल से है? नहीं। अच्छा जी, इल्मो फजल से ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? भी है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत नहीं है? नॉट नेसेसरी। जी आमना साहिबा? नहीं। सियासत और हुकूमत से भी है, तो फिर सियासत और हुकूमत से भी है वाला ताल्लुक जो है ना वो स्पोर्ट्स और शोबिज़ का ही है। बिल्कुल, ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो इनका ताल्लुक शोबिज़ से भी है जी। वजह शोहरत यानी शोबिज़ है जी। सिंगर है कोई जी? हाँ। अच्छा, सिंगर है तो जीटी रोड पे भी गाने गाए हैं, बिल्लो के घर की भी, वो बिल्लो की वजह से बड़ा मशहूर है जी।
और जीटी रोड पे भी ब्रेकें लगती रहती है, वो बिल्लों के ही ब्रेकें लगती है, बिल्लों की वजह। वो किंग ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक भी है। अच्छा जी, वो किंग ऑफ पाकिस्तान म्यूजिक हमारा दोस्त है, पंजाबी, उनका भंगड़ा स्टाइल, भंगड़ा बहुत बड़ा, बोलियां पंजाबी बहुत बड़ा, वो वैसे आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा है सर, वो सहारा भी देता है लोगों को। जी जी, लोगों को सहारा भी दिया है उन्होंने, बड़ा खुश गुफ्तार भी है, इज अ वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट। यस, अच्छा बहुत कम लोग जानते होंगे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा जानते सारे होंगे, लेकिन मेरी अपनी चॉइस उसके एक दो गानों के अलावा, मेरी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं नॉन स्टॉप उसे कहूंगा कि मुझे पट्टी की बातें सुनाए, वो जो उसका दोस्त है ना पट्टी, भाई कमाल है, और क्या ऑटो स्क्रिप्टिंग वो करता है और किस तरह उसकी नकल उतारता है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, अब्राड़ो लग पूछा, थैंक यू। तो अब बारी है पांचवी कसौटी की, चलिए नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? जी शेख मोहम्मद हारून। शेख मोहम्मद हारून साहब से भी अनदर शेख साहब ऑन बोर्ड। आपका ताल्लुक कहाँ से है शेख साहब? जी साहिवाल से। साहिवाल, साहिवाल से। साहिवाल आज बहुत है भाई। अच्छा जी, साहिवाल में किस जगह रहते हैं फ्रीड टाउन के अलावा? सर साहिवाल में फतेहशेर कॉलोनी में। फतेहशेर कॉलोनी ये किस तरफ है? सर ये मिशन चौक के करीब है, गर्ल्स कॉलेज के पास। जी मिशन चौक, जहाँ मिशन हॉस्पिटल है। जी एग्जैक्टली। वाह वाह वाह। अच्छा जी, शख्सियत शेख साहब जिंदा? जी। मर्द? जी नहीं। एशियाई? एशिया से भी ताल्लुक है। एशिया से भी ताल्लुक है, और खातून जिसका ताल्लुक एशिया से भी है। आप इतनी देर ये देख लें, मदर ट्रीसा भी हम कर चुके हैं, हम रूथ पाव भी कर चुके हैं, जिंदा है और एशिया से भी ताल्लुक। अच्छा दूसरा ताल्लुक डिटरमिन करें सर, बरतानवी है? जी सर। और ताल्लुक बरतानिया से भी है और एशिया से भी है, तो जिंदा है जमायमा? जमायमा खान इस्मान, मेरे जहन में जमायमा आती है एकदम, बिल्कुल ताल्लुक वो भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं जो, जी जी बेशुमार है, और सियासत और हुकूमत पे आ जाए। अच्छा जी शेख साहब, बराह रास्त सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? जी नहीं। हाँ बस फिर इसको आप नरदान दूसरी तरफ कीजिए। बिल्कुल। इनका ताल्लुक किसी अहम पाकिस्तानी शख्सियत से है? आई कैन सी द स्माइल। जी हाँ जी हाँ, सलमान और ईसा की वालदा। इनके एक साहबजादे का नाम सलमान है क्या? जम्मा जी, आप दोनों का पूछ सकते हैं मुझे। जी आपने जमायमा खान पूछी। अरे वाह। शेख साहब देखो असं पहुंचे किस तरह। सर आठ मास, मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहा था। जी जी मैं भी नहीं कर रहा था, सेकंड लगे। मुझे अंदाजा था कि आप थोड़ा टाइम लेंगे, और मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा 15 सवाल तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। चलिए फिर सिक्स्थ पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जिशान नज़ीर, ज़िला गुजरात से आया हूँ, कस्बा कुंजा से। अच्छा जी शख्सियत जिंदा? नहीं सर। मर्द? जी मर्द। एशियाई? नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से? जी सर। मेनलैंड से? जी सर। मेनलैंड से है तो गोया सेंट्रल यूरोप से है? नहीं सर, सेंट्रल से। सेंट्रल यूरोप नहीं है। अच्छा जी ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से है? नहीं सर। वेस्टर्न यूरोप से है? नहीं सर। सदरन यूरोप से है? जी सर। फुटबॉल हो गया स्पेन। अच्छा सर गुजरात वाले बहुत सारे बार्सिलोना में रहते हैं, एक बात में अपना गल है। अच्छा दूसरा गुजरात वाले मतलब आधा भिंबर जो है भिंबर जो है वहां पे आपको बार्सिलोना। व्हेन आई वेंट टू बार्सिलोना हर तीसरा गुजरात का सी। स्पेन?
तो जरूरी नहीं स्पेन, लेकिन स्पेन को कर लेना। अब हमारे पास तो चॉइस स्पेन है, पोर्चुगल का एक ही बंदा नोन। अच्छा ये जिंदा नहीं, नहीं है वो भी था, सर ये जिंदा नहीं है। नहीं सर जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिए वास्को डी गामा की तरफ बात जा सकती है, वो पीछे जा। चलें जी, अब पीरियड डिटरमिन करने तो पहले स्पेन की तरफ मुल्क ना कर लें, बोले इटली, मुल्क इटली या स्पेन दोनों में से कर लें। जीशान साहब ताल्लुक इटली से है? जी सर है। रोम से होगा सर? पीछे रोम जाएं, पीछे जाएं, मोस्ट पॉपुलर है ना। जी 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 जी, वो मार्कस ऑरेलियस है बिकॉज ऑफ ग्लैडिएटर। नहीं सर स्पार्टिकस है। स्पार्टिकस भी है, मार्कस ऑरेलियस भी है। स्पार्टिकस वाज नॉट एन इटालियन, ही वाज नॉट अ रोमन, ही इज नॉट अ रोमन, लेकिन उसका ताल्लुक इससे बहुत है, स्पार्टा से था ना वो। अच्छा जनाब इटली से ताल्लुक है तो इंतकाल को हजार साल से पीछे 500 साल तो रियायत ना कर दी, हजार चले 500 कर दें। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। वाह ए क्या बात, आई वाज स्पॉट ऑन। ताल्लुक रोमन एम्पायर से, अब रोमन एम्पायर से है तो बिफोर बीसी। अच्छा जी ये बिफोर क्राइस्ट की शख्सियत है? नहीं सर आफ्टर है। दैट मींस जूलियस सीजर भी निकल गया? नहीं जूलियस सीजर निकल गया, अभी आ गया कॉन्स्टेंटीन, आ गया कॉन्स्टेंटीन आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नीरो, नीरो 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 पे नैरो डाउन करें। नीरो बात क्या, पॉन्टियस पिलाटे जो जेरूसलम का गवर्नर था, नजरक में जो हाँ वाकया उसकी कमांड में हुआ था, वो वहां का जनरल डायर था, बिल्कुल वो ऑर्डर्ड द क्रूसिफिकेशन, वो एग्जीक्यूटेड एक्चुअली यस द जीसस क्राइस्ट। शासन और हुकूमत में आए एम्परर जो 500 साल पहले, तो आपका वो भी है ना इस्तांबुल का भी। आप टर्की की तरफ आते हैं ना तो दैट इज नॉट सदरन यूरोप, ये रोमन, रोमन एम्पायर। देखें बेसिकली दे वर नोन एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जी जी, तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थे ना, तो वो जिससे पहले हजार साल फाते की हजार साल का डिटरमिन करेंगे तो वहीं पर हम जी खत्म हो जाएगी। जी क्या क्या क्वेश्चन क्या बन, लेट से 1200 साल पहले आज से। हाँ अच्छा जी, आज से 1200 साल पहले की शख्सियत है? नो सर नहीं। अब जो है 500 साल और 1200 साल, 500 साल से ज्यादा जी, 1200 साल से कम। हाँ। सर ये जो सुल्तान मोहम्मद फातेह के मुकाबले में जो बंदा, मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका क्या नाम था? कॉन्स्टेंटीन द थर्ड था या एम्परर था, आई थिंक कॉन्स्टेंटीन द थर्ड था। उसका एरा क्या है? उसका एरा है 1251-52 1252। उसको क्या बनता है तकरीबन 700 नहीं कितने बनते हैं 700 साल बनते 900 साल 2021 से आप 700 साल निकालें तो 1321 बन जाएगा, उससे 100 साल पीछे बल्कि 50 साल पीछे 1251-52 आ जाएगा। कॉन्स्टेंटिनोपल का पूछ लेना। उसके अलावा रोम में क्या? हाँ जाहिर है बीसी के बाद की पर्सनैलिटी है ना। अच्छा जी, इनका ताल्लुक जो है वो कॉन्स्टेंटिनोपल से था, जिसे इस्तांबुल भी कहते हैं। नो सर चले वो निकल गया। अब फिर आपका वो है क्रिस्टोफर कोलंबस भी इटालियन है। कोलंबस वाज कोलंबस इज इटालियन, पूछने एडवेंचरर एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर था कोई भैया? नो सर। 14 questions बट दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज हिस्ट्री। साइंटिस्ट गैलीलियो, गैलीलियो वाज साइंटिस्ट। ताल्लुक सियासत और हुकूमत हमने अभी डिटरमिन नहीं किया, कितनी है भाईजान? ताल्लुक सियासत और हुकूमत से था? नो सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था? कह सकते हैं yes, लेकिन वजह शोहरत नहीं थी। वजह शोहरत साइंस नहीं थी लेकिन ताल्लुक था, तो लियोनार्डो भी है ना सर? ये तो लियोनार्डो डा विंची, हाँ उसकी भी तो, और उसकी वजह शोहरत मोनालिजा, ऑब्वियसली मोनालिजा, जिसे 1911 से पहले पूछता कोई नहीं था। वाज ही अ पेंटर? यस सर। उन्होंने बहुत सी फ्यूचरिस्टिक मशीनों की ड्राइंग्स भी बनाई? जी सर। हेलीकॉप्टर भी उनका एक डिजाइन कॉन्सेप्ट था? जी। टैंक भी उनका एक कॉन्सेप्ट था? आर्मर्ड व्हीकल। जी जी जी। टैंक की इब्तदाई शक्ल डा विंची ने बनाई थी भैया, और उसका जो है एनाटॉमी ड्राइंग ऑफ मैन। 20वां सवाल, ये 20वां सवाल है? आपने लियोनार्डो डा विंची पूछा जी? सर थोड़ा सा आराम से बोलते थे।
बबू राणा साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी है आपको देखे, और मैं कहना चाह रहा था कि शेख साहब के दुरानिये में आप तो ऐसे बैठे हुए थे जैसे आपका बाजा चोरी हो गया। अभी भी आप वैसे ही हैं। आप हमारे गेस्ट हैं और आप ज्यादा शोखे ना हो। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह आपसे मिल के, आपको देख के, और खास तौर पर आफ्ताब इकबाल सर आपसे, और अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे और आपका शो इसी तरह जो है वो मजीद ऊंचाइयों को छुए। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। 2 years गए थी आज के एपिसोड, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।